तो वहीं झालावाड़ के केरखा में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण हो रहे हैं परेशान, बूंद बूंद को तरस रहे हैं ग्रामीण। गर्मी की दस्तक के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या विकराल होती नजर आ रही है। हर घर नल जल योजना के कनेक्शन और हैंडपंप शोपीस बनकर रह गए, ऐसे में सरकार और विभाग का दावा छलावा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत खेरखेड़ा में अभी से पेयजल संकट गिराने लगा है। गांव में पानी की टंकी और हैंडपंप अब जवाब देने लगे हैं। गर्मी से परेशान लोग पानी के लिए भटकने लगे, साथ ही 1 से 2 किलोमीटर दूर कुएं से पानी लाने को रोए हैं मजबूर। क्या नाम है आपका? मोर सिंह। मोर सिंह जी, ये पानी की जो टंकी है कब बनी थी? ये 4-5 साल हो गया कम से कम। तो जब ये बनी थी उस टाइम पे इसमें पानी था? हाँ, जब तो पानी था, 2 वर्ष 12 महीना पानी। तो कब से बंद पड़ी हुई ये टंकी? यह टंकी 2 साल से 3 साल से बंद है। फिर पानी की क्या व्यवस्थाएं हैं आपके यहाँ? कहीं भी व्यवस्था नहीं, बहुत मुसीबत में है। हाँ, कोई नींद माँ की सुनाई अन्य बात। सरपंच से सुना, सरपंच से कहा गया आपने? सरपंच से 10 वक्त के दी पूरा स्कूल को, बच्चा बच्चे ने भी आप दादी 12 गांव का बच्चा बच्ची जब पानी बना, बच्चा बच्ची समेत मर गया। तो फिर पानी कहाँ से लाते हो आप? कैसे क्या पानी वो तो आपस से लाऊ, हेडपम्प जाऊँ, नहीं कुआ पे जाऊँ, दूरे कुआ है। हाँ, बहुत आफत आ रही माए, माँ की कोई सुना ही नहीं है।